Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Prepare bank reconciliation statement with the help of following information as on 31st December 2018. Balance as per cash book. कैश बुक के मुताबिक जो बैलेंस है वो 30,000 है, नहीं बताया डेबिट है या क्रेडिट, तो कौन सा लेंगे? फेवरेबल। तो कैश बुक का फेवरेबल डेबिट बैलेंस होता है, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ डेबिट साइड पे कैश बुक है 30,000। अब आप अपने जेब में बिठा लें कि आप इस बुक को डील करें और इसी पे फोकस करना है आपने। सबसे पहले है प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाई बैंक। बैंक ने प्रॉफिट क्रेडिट किया हुआ है, बैंक ने अपने इस तरफ लिखा हुआ है 1500। अब आपके पास ये डेबिट नहीं है। जो चीज़ दूसरे की बुक में क्रेडिट हो वो आपके पास डेबिट होती है, जो उधर डेबिट हो वो आपके पास क्रेडिट होती है। अब ये इधर क्रेडिट है लेकिन आपके पास डेबिट नहीं है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया। जब आपने स्टेटमेंट मंगवाई 31st दिसंबर 2018 को, तो तब आपको पता चला कि बैंक ने ये क्रेडिट किया हुआ। अब क्या रूल है बैंक रिकंसिलेशन का कि जो काम दूसरे ने किया है वो आप कर लें, इसने क्रेडिट किया आप इसको डेबिट कर लें। इधर लिख लें 1500। नेक्स्ट, बैंक पेड रुपीज 5000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। हमारे कहने पे, कस्टमर के कहने पे बैंक ने क्या किया, 5000 रुपये रेंट पे कर दिया। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर हम बैंकों को कह देते हैं कि तुम ऐसे किया करो कि हर महीने हमारे अकाउंट से इतनी पेमेंट फलां को ट्रांसफ़र कर दिया करो। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी एक दफ़ा कह दिया। अब अगर हमने रोकना है तो फिर उसके लिए अलग खत लिखना पड़ेगा, वरना बैंक हमारे अकाउंट से जो हमने लिख कर दिया हुआ है उतने पैसे पे करता रहेगा। अब बैंक ने क्या किया, हमारे कहने पे ये पे कर दिया, तो उसने हमारे खाते को फिर क्या करना है, जब भी कोई पेमेंट करता है हमारे खाते से बैंक या हम पैसे निकलवाते हैं तो हमारे खाते को डेबिट करता है। बैंक ने डेबिट कर दिया हमारा अकाउंट 5000 से। अब हमें ये याद नहीं है, हमें नहीं पता था, हमने जब स्टेटमेंट मंगवाई तो फिर पता चला कि बैंक ने 5000 की पेमेंट की हुई है। लेकिन पेमेंट तो ठीक है, हमारे कहने पे की है, अब उधर ये डेबिट है तो इधर ये क्रेडिट होना चाहिए, हमारे पास क्रेडिट नहीं है जी, तो हम क्या करेंगे। ये भी वही बात है कि जो काम दूसरी पार्टी ने किया है हम भी कर लेंगे। पहले बैंक ने क्रेडिट किया था, हमारे पास नहीं था, हमने डेबिट कर लिया। अब उधर डेबिट है तो हम इसको अपने पास क्रेडिट कर लेंगे। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, हमने शेयर्स खरीदे हैं, उसका जो प्रॉफिट है डिविडेंड वो हमारे अकाउंट में आ गया, बैंक ने उसको हमारे अकाउंट में जमा कर दिया यानी क्रेडिट कर दिया। अब ये इधर क्रेडिट है, हमारे पास डेबिट नहीं है, तो ये भी हम डेबिट कर लेंगे। इधर क्रेडिट, इधर डेबिट। ये तो वो चीज़ें थी जो एक बुक में हुई थी, यानी दूसरे की बुक में हुई थी, हमारे पास नहीं हुई थी, हमने कर लें। ये पहला रूल है बैंक रिकंसिलेशन का कि जो काम दूसरी पार्टी ने किया हो आप ही कर लो, हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। चेक्स पेड इनटू बैंक। हमने चेक्स बैंक में जमा कराए बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, यानी बैंक को आगे से पैसे नहीं मिले। अब हुआ क्या था, जब हमने ये चेक बैंक में जमा कराए हमने डेबिट कर लिया, बैंक डेबिट, पार्टी नेम क्रेडिट, हमने इधर लिखे थे। अब इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट होने चाहिए थे, लेकिन बैंक को तो आगे से पैसे नहीं मिले तो वो क्रेडिट नहीं करेगा। इसका रूल क्या है कि हमने जो काम किया है दूसरी पार्टी के पास नहीं है उसको रिवर्स कर रहा है। अब हम इसको 4000 को इधर डेबिट कर चुके हैं, वो इस बैलेंस में ऐड है, तो इसको रिवर्स करें, इधर लिख दें। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किए थे किसी पार्टी को, वो पार्टी अभी तक बैंक के पास नहीं पहुंची। हमने जब चेक दिए थे एंट्री पास की थी पार्टी नेम डेबिट बैंक क्रेडिट, हमने फॉरन बैंक को क्रेडिट कर लिया था, हमने इस तरफ लिख लिया था 3000। अब ये इधर डेबिट होना था, हमारे पास क्रेडिट दूसरे के पास डेबिट, लेकिन वो बैंक के पास तो गई नहीं पार्टी,
तो जो काम हम कर लें दूसरे ने ना किया हो वो रिवर्स करना पड़ता है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे, ये 3000 हमने इस तरफ लिखा था पहले, अब हम इसको रिवर्स करने जा रहे हैं, इस तरफ लिख देंगे। तो ये आपका जो है ना बैलेंस बराबर हो जाएगा। अभी हम इसको बैंक रिकंसिलेशन में लाते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ नहीं बताया तो ये बैलेंस हमारा फेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस। अब ये डेबिट है और ये सारी चीज़ें भी डेबिट हो रही हैं, तो डेबिट डेबिट प्लस, तो इधर हम लिखेंगे ऐड। क्या क्या है ये 1500, ये भी डेबिट है 2500, ये भी डेबिट है 3000, ये भी डेबिट है, ये तीन चीज़ें डेबिट हो रही हैं, तीनों को जमा करके इधर लिख दें। ये दो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं तो ये माइनस होंगी क्योंकि हमारा बैलेंस डेबिट है, तो ये लिख लें 5000 और 4000, इन दोनों को जमा करके इधर लिख लें, ये 9000 आ रहा है, ये भी कर लें, ये है 7000। अब इनके सामने आप निर्देशन लिखिए, 1500 था प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, लिखें प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो है ये डिविडेंड कलेक्टेड है तो लिख दें डिविडेंड कलेक्टेड, थ्री थाउजेंड जो है ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, 5000 जो थे ये बैंक ने रेंट पे किया है, इसको लिख दें डेबिटेड बैंक है, रेंट पेड बाय बैंक, इधर लिख लें लेस रेंट पेड बाय बैंक या डेबिटेड बाय बैंक। 4000 है अनकलेक्टेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, अब इसमें ये ऐड कर दें ये आ जाएगा 37000, 37 में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 28000 और ये होगा बैलेंस एज पर पासबुक। हमारे पास है ये जो बैलेंस है ये डेबिट चल रहा है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो ये डेबिट ही आ जाएगा, तो बैंक के पास ये अपोजिट होता है क्रेडिट बैलेंस। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।